इस पिछड़े को बनाने के लिए हमने पारंपरिक कपड़े का इस्तेमाल किया, कॉटन कपड़ा, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। पिछड़े के बारीक काम को करने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही रंग बनाने की तकनीक का प्रयोग किया है। पिछड़े में 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया। पिछड़े बनाने की यह पद्धति हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही। पिछवे को भव्य बनाने के साथ ही हमने पिछवे के काम की बारीकियों को बनाए रखा है और कोमलता को बनाए रखा है, जिसके लिए पिछवे मशहूर है और जानी जाती है। पिछवे के सुनहरे किनारे और मोर में हमने बारीकियों का समावेश किया है। ये रंग जो यूज किए वो मंत्रमुग्ध करते हैं और फूलों से जो आकृतियां बनी है वह लगभग समाधिस्थ कर देती है। नाथद्वारा के कलाकारों की पिछवाई बनाने की इस परंपरा को जब बड़ी संख्या में लोग देखेंगे तो इस कला को नई पहचान मिलेगी। पिछवाई पेंटिंग बहुत बारीकी से बनाई जाती है क्योंकि ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े मेहनत से बना हमारा यह काम मुंबई की इस प्रतिष्ठित जगह पर लगा है, जहाँ समाज के अलग अलग तबकों के विभिन्न हिस्सों के से लोग आकर हमारी पारंपरिक कलाकृति को देखेंगे। कोविड की इस परीक्षा की घड़ी में परंपरागत कलाकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब एक नई आशा जगी है और इस पारंपरिक कला को और फिर से रुचि बढ़ेगी।